क्या किसी मुसलमान ने इस पूरे देश में अक्रॉस द बॉर्डर कोई धरना किया? कश्मीरी पंडितों के साथ जाती हुई है? ये ईमानदार कोशिश कहां है? आप कहते हैं कि चंद लोग बहक गए हैं। अरे भाई, बहक गए मान लिया, लेकिन आसाम से लेकर के गुजरात तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कोई तो दो लोग ऐसे निकलते जो कहते हम कश्मीर जा रहे हैं, कश्मीरी पंडितों को जिन्होंने मारा है हम धरने पे बैठ के जब तक नहीं उठेंगे जब तक उनको सजा न मिले। वहीं रात को काट के ये मारा, तलवार पुड़ा लिया, क्या ये मारा मैडम, चैन खोल खोल के चेक कर करके मेरे बच्चों इतना बैसी बन कर आए, चैन खोल खोल के चेक करके मारा, मुसलमान है मार दो सालों को, ये हो रहा बहुत बुरी तरह से मारा। कोई जानवर भी मैडम ऐसा ही, जानवर भी रहम खा जाएगा, कौन से वैसे। आंदोलन हुए, हिंसा हुई, 83 के नैली दंगों का जिक्र होता है जिसमें लगभग 2000 मुसलमान मार दिए। आरोप लगा देश के ऊपर कि भारत की पुलिस, भारत की व्यवस्था, भारत की सत्ता व पार्टियां कभी मुसलमान को गृहमंत्री नहीं बनाती क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं गद्दारी ना कर दे। हमने कहा कि शायद ऐसा होता होगा, शायद यही वजह है। 1989 में वीपी सिंह की सरकार में भारत का पहला मुसलमान गृहमंत्री बना, 8 दिसंबर 1989 को, 89 को। उस आदमी का नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। 8 दिसंबर को बनता है और 8 दिसंबर को और 19 जनवरी के बीच में भी महीना भी पूरा नहीं हुआ था और 19 जनवरी को पूरे कश्मीर के अंदर से 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के, रेप करके, बच्चों को उछाल उछाल के मारा है। टीपालाल टकरू उनके सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बहुत बड़े थे, उनका जब सड़क पे मर्डर किया गया तो मोटरसाइकिल घुमा रहे थे उसके पीछे चारों तरफ। मेरा नाम मलका बेगम है, भागलपुर से बिलोंग करती हूँ। हमारे यहाँ 89 में दंगा हुआ है, पीछे से अगर मुड़ा तो पीछे काटा, मतलब भागने का जगह नहीं था, आगे भी इंसान पीछे भी, बगल में घर तो आगे पीछे तालाब, तो आगे भी काटा पीछे भी काटा। छोटे छोटे बच्चे को, साल के बच्चे को पकड़ के चीर दिया गया है धोबी से, माँ के गोदी से वैसे बैठा तो दो से तीन पीस का था, एक गर्दन तो एक बीच, दो से तीन टुकड़ा एक इंसान को करता था। भागने का कोई रास्ता नहीं, मैं भी वहां पर किसी तरह, हम लोग दो चार बहन थी चचेरी, वो निकल कर भागने का कोशिश करा तो दो तीन को खींच लिया, मैं किसी तरह पानी में था, छलांग लगा।
इकट्ठी करें और सवाल पूछें इस बात को भाई कि तुम हमें ये भाईचारे के नाम पे कब तक हमें चारा बनाते रहोगे, कब हम ही एक तरफा इस सेकुलरिज्म की ठेकेदारी हमारे कंधों पे होगी कि हम ही सेकुलर रहेंगे भाई। हम तो उस वक्त भी 47 में भी सेकुलर थे, वो चले गए उसके बाद भी सेकुलर हैं और आज भी सेकुलर शख्स के साथ बैठे हैं जिन्होंने 1989 की वो त्रासदी झेली है। हम उनसे आज जानने की ये कोशिश करते हैं कि 1989 के दौरान में दंगे के दौरान जो हुआ था वो कितना भयावह मंजर था और क्यों इन्हें भागलपुर छोड़ करके बांका के इस बस्ती में शरण लेनी पड़ी थी। हमारे साथ हैं 1989 के दंगा पीड़ित मोहम्मद अजरफ अली, जिनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उस वक्त हुआ क्या था। इतने बुरे हालात थे, इतना भयावह दृश्य था कि वहाँ पर लाशों को खेतों में गाड़ दिया गया था और उसके ऊपर गोभी बो दी गई थी। कितना सच्चाई है इसमें? 16 आना सच्चाई है उसमें। मैं खुद उस घटना स्थल पर उस गोभी और लहसुन को कुदाली से उसकी मिट हटा करके उसके लाशों को निकाला था, है ना। तो इसमें दो राय नहीं है कि आपने जो सुना है वो गलत है। ये नहीं है कि हम नहीं पूछते हैं। मैं आपको एक अनुभव बताऊं, पड़ोस के गांव से एक आदमी को मैंने पूछा कि भाई इस दंगा पीरियड में ये बताइए कि आपके गांव में निर्दोष कौन कौन लोग हैं। उन्होंने बताया कि भाई मेरे कुनबे का चार घर छोड़कर सभी के सभी उसमें इन्वॉल्व थे। मैंने उसी गांव के दूसरे कुनबे के लोगों से पूछा, उन्होंने भी यही कहा कि मेरा कुनबा तीन घर है, तीनों घर को छोड़ करके बाकी गांव के लोग सभी उसमें शामिल हैं। इस तरह से मैंने 6 आदमी को पूछा, 6 कुनबे को पूछा और ये लगा कि हर एक दूसरे को अपने को निर्दोष बता रहे थे और पूरे गांव को दोषी बता रहे थे। अब हम इसी से अंदाज़ा लगाइए कि कौन दोषी समाज में थे और कौन निर्दोष थे। लेना देना नहीं था। यहां भी समझ में आता है, सुप्रीम कोर्ट की बैनर हेडलाइन खबर थी, बैनर हेडलाइन खबर थी, वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस लिंचिंग, गवर्नमेंट शुड टेक इमीडिएट एंड ड्रास्टिक एक्शन। इसी हिंदुस्तान के अंदर 1984 में दिल्ली के अंदर लुटियन दिल्ली में, जहां राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सारी सत्ताएं के सबका पावर है, वहां 3,500 सिखों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, सड़कों पे मारा, गले में टायर डाल के मारा, बच्चों को उछाल उछाल के मारा, बॉक्स में जो लोग छुप गए थे उस बॉक्स में आग लगा के मारा। भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि इस देश में अगर मॉब लिंचिंग पहली हुई थी तो वो तो ये थी, कभी नहीं बोली। 3.5 लाख और 5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों के साथ किया, वो मॉब लिंचिंग नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का पाखंड और ड्रामा देखिए। ये क्या वजह है इस देश की? जो लोग ज्योग्राफिया को पढ़ते हैं, जो लोग डेमोग्राफी को देखते हैं, आप देखें कि पूरे देश में सेकुलरिज्म वहीं बरकरार है जहां आप मेजोरिटी में हैं, जहां आपकी गिनती कम होती है और वो 30% से ऊपर होते हैं, वहां सेकुलरिज्म को खतरा पैदा हो जाता है करके वहां आगे कुछ गांव में हिंदू समाज में वहां जाके काट के जितना आदमी को काट के फेंका। 28 अक्टूबर को वहाँ ले जा करके काट दिया गया था। आप लोग यहाँ पे सुरक्षित कैसे पहुँचे? जब मस्जिद में आग लगा दी गई तो आपको ये पता था कि ये दंगा पहले से शुरू हो रहा है? 24 अक्टूबर से ये दंगा शुरू हो गया था। हाँ, तो आपको पता था कि पहले से ये दंगा चल रहा है शहर में? हाँ, शहर में हल्ला गुल्ला सुन रहे थे, लेकिन हम लोग सोच लिए कि अपने समाज में मिले हुए हैं, काहे हम लोग के यहाँ तो ऐसा होना नहीं चाहिए और नहीं होगा।
लेकिन पता नहीं लोगों के दिमागों में क्या आया नहीं आया, हम लोगों को जो है। तो आप पे जो हमला हुआ या जिस मस्जिद में आप जुमा की नमाज अदा करने गए थे, वहाँ पे जो आसपास के लोग होंगे, जो भीड़ होगी, वो तो आपके दोस्त मित्र, आपके बेटे की उम्र के, आपके बाप की उम्र के, चाचा पापा ही रहे होंगे। सब समाज मिलके किया, अपने समाज जो था वो मिलके किया, ऐसा तो दूसरा कौन करेगा। तो आप लोग तो उनको पहचानते ही होंगे कि भाई कौन कौन लोग हैं, कौन कौन नहीं है, क्या है, पहचानते हैं। अच्छा, लेकिन करें तो क्या, पहचान के ही क्या करेंगे, पहचान के क्या करेंगे, हम लोग का बस नहीं है जो कि कुछ बोल सकते हैं। अच्छा, लिए कैसे मकान बनाए गए थे, ये जो मकान बनाए, इन सारे घरों के में एंट्री के लिए सिर्फ एक ही गेट है। देखिए उज्ज्वला तो यहाँ नहीं पहुँची है, जो कि आपको साफ तौर पर दिख रहा है कि रसोई कैसे बन रही है। और ये एक घर है जहाँ पर हम खड़े हैं, इस घर की छत कभी भी किसी भी वक्त गिर सकती है। आप ये देख सकते हैं इस घर की हालत, ये कभी भी गिर सकती है, पूरी तरीके से ये टूट गया है, इसमें जो छड़ लगी हुई है उससे उसमें जंग लगी है, और ये कभी भी गिर सकता है। यहाँ से इसका जो पूरा प्लास्टर है वो गिर चुका है, और ये एक दंगा पीड़ित का घर है जिसकी हालत को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई ये घर, इसकी छत है। इस छत को टाटा कंसल्टेंसी ने बनाया था, टाटा की तरफ से बनाया गया था। साजिश किया एक रामनवमी का जुलूस 79 में निकालने का, हर साल रामनवमी निकलता था, लेकिन इस बार इन लोगों ने कहा नहीं, हम लोग मुस्लिम मोहल्ले से निकालेंगे। आजाद नगर में एक मुस्लिम मोहल्ला था, ये 64 के राइट के बाद तेलको के अंदर जो कॉलोनी हुई, तो लोगों ने कहा कि कॉलोनी में अब हम लोगों को नहीं रहना है मुसलमानों को, तो मुसलमानों ने एक जगह ली, एक आजाद नगर करके बसा, और उस आजाद नगर में पूरे मुसलमान वहां जमीन लेके ले लेते चले। उसी आजाद नगर में से बीच से ये लोगों ने चाहा कि हम जो है जुलूस निकाले रामनवमी का, जिसको कभी निकला नहीं था, वहां गवर्नमेंट ने भी उसको, लोकल अथॉरिटी ने भी परमिशन नहीं दी, लेकिन एक दीनानाथ पांडे वो जो अपने को लीडर बनना चाह रहे थे और पॉपुलर होना चाह रहे थे, उन्होंने जिद करके वहां से निकाला, और पुलिस ने कहा कि ये नाजायज जुलूस है, फिर भी लोगों ने निकाला, मगर राज्यपाल ने असेंबली ही भंग कर दी। लेकिन थोड़ा रुकिए, किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये जान लीजिए कि ऐसा पहली बार नहीं है जब जम्मू कश्मीर की राजनीति, या ये कहिए कि वहाँ लोकतंत्र का ऐसा हाल हुआ हो। वहाँ पॉलिटिकल ड्रामे की लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, और सबसे बड़ा ड्रामा वहाँ हुआ था 1987 में। हम आपको उसी 1987 की कहानी बताने जा रहे हैं। इस बार की तरह उस बार भी ड्रामे के पीछे केंद्र सरकार का हाथ था। आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उस वक्त केंद्र में कांग्रेस थी। आज कश्मीर जो भी है, जैसा भी है, उसे इस हाल में पहुंचाने के पीछे उस वक्त में घटी घटनाओं का बड़ा हाथ है। वो साल था 1986, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, मुखिया थे राजीव गांधी। उन दिनों जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे गुलाम मोहम्मद शाह, शाह थे शेख अब्दुल्ला के दामाद। 1984 में वो 12 विधायकों को साथ लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से अलग हो गए थे, इससे फारूक अब्दुल्ला की सरकार गिर गई। इसके बाद शाह ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, मगर शाह और कांग्रेस के बीच ज्यादा दिनों तक नहीं बनी। स्थितियां ऐसी हो गई कि राजीव गांधी किसी न किसी बहाने शाह की सरकार को बर्खास्त करने का मौका खोजने लगे। इस साल राजीव गांधी ने एक बड़ा कदम उठाया था, अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया था। इसे लेकर भारत में कई जगह दंगे हुए थे, लेकिन कश्मीर शांत था। हालांकि कश्मीर में अनंतनाग में थोड़े बहुत दंगे हुए थे। इस अनंतनाग के साथ एक खास बात जुड़ी थी, और वो बात थी मुफ्ती मोहम्मद सईद। फिलहाल जो पीडीपी की मुखिया हैं, जो जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती उनके अब्बा थे। वो उस वक्त कांग्रेस में थे। कश्मीर के अंदर कांग्रेस में उनसे बड़ा कोई दूसरा नेता न था। ये जो अनंतनाग था वो था मुफ्ती मोहम्मद सईद का इलाका। वो बहुत मजबूत थे यहाँ पर। यहाँ मंदिरों पर हमले हुए, कश्मीरी पंडितों पर हमले हुए, और माहौल बुरी तरह से खराब हो गया। कहते हैं कि यह हिंसा सईद के इशारों पर भड़काई गई थी। और हिंसा क्यों भड़काई गई थी,
क्योंकि इसी हिंसा के बहाने कांग्रेस गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार से अपना समर्थन वापस लेना चाहती थी। कांग्रेस ने ऐसा ही किया, सरकार अल्पमत में आ गई और राज्यपाल ने सरकार को बर्खास्त कर दिया। यानी केंद्र सरकार के लिए यह हिंसा राज्य को अपने कब्जे में लेने का बहाना बनी। 7 मार्च 1986 की वो तारीख थी जब राज्य में गवर्नर रूल लगाया गया। अब ऐसी स्थितियों में केंद्र ही सब कुछ होता है, राज्यपाल के जरिए अपनी मर्जी करने का मौका होता है। कांग्रेस ने ऐसा ही किया और पूरे 7 महीनों तक किया। नवंबर 1986 में कांग्रेस ने फारूक अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस से हाथ मिला लिया और राज्य में एक नई सरकार बन गई। लेकिन कांग्रेस के भीतर कई लोग इस अरेंजमेंट से खुश नहीं थे। सबसे ज्यादा नाराज तो खुद मुफ्ती सईद थे। कांग्रेस से नाराज जनता नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी नाराज हो गई, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस से हाथ मिला लिया था। ये सरकार 4 महीने ही चली और मार्च 1987 में चुनाव की घोषणा हो गई। तय हुआ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। अब स्थिति ऐसी बन गई कि राज्य की दो सबसे बड़ी पार्टियों ने हाथ मिला लिया। दोनों ही पार्टियों ने सोचा कि जीत तो उनकी झोली में है। लेकिन फिर खड़ा हुआ एक गठबंधन जिसका नाम था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, यानी MUF। इसमें कश्मीर की इस्लामिक पार्टियां शुमार थीं। इनमें सबसे अहम नाम था जमात इस्लामी का। ये अलगाववादी विचारधारा वाली पार्टी थी जो पाकिस्तान को सपोर्ट करती थी। ये पार्टी भी चुनाव में आ गई। अब इस MUF के पिक्चर में आने से कश्मीर की पूरी तस्वीर ही बदल गई। एकाएक कश्मीरियों के चुनाव में दिलचस्पी बढ़ गई। युवा काफी उत्साहित दिखने लगे। MUF के लिए खूब सपोर्ट दिख रहा था। उनकी रैलियों में खूब भीड़ जुटती थी और MUF का चुनाव चिन्ह था पेन और इंकपॉट, यानी कि कलम और दावाद। कारवां पत्रिका में प्रवीण डोथी की लिखी एक रिपोर्ट में एक दिलचस्प किस्सा है। इस किस्से को यूं बताया गया है कि अपनी ही पार्टी से नाराज मुफ्ती मोहम्मद सईद ने कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करते हुए अपनी जेब से कलम निकाला और उसे इस हाथ से उस हाथ में घुमाते हुए यूं थामे रहे कि लोगों को नजर आए। फिर बार बार दाढ़ी पर हाथ फेरते रहे। शायद ये उनका इशारा था कि MUF को वोट डालना। इस चुनाव में शामिल उम्मीदवारों की लिस्ट में एक नाम ऐसा भी है जो आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े आतंकियों में गिना जाता है। नाम था सैयद सलाहुद्दीन, हिजबुल मुजाहिदीन का सरगना। सलाहुद्दीन कश्मीर के बड़गाम का रहने वाला था। उसने MUF के टिकट पर श्रीनगर की अमीरा कदल सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गया था। हालांकि लोग अब भी ये मानते हैं कि वो जीत गया था। फिर आया वोटिंग का दिन। 23 मार्च 1987 की तारीख थी, लेकिन चुनाव से पहले खबरें आने लगीं कि MUF के कार्यकर्ता गिरफ्तार किए जा रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जहां MUF काफी मजबूत दिख रही थी। वोटिंग हुई, तकरीबन 80% वोटर्स ने मतदान किया और ये बहुत बड़ी तादाद थी। माहौल और सपोर्ट देखकर लग रहा था कि MUF को कई सीटें मिलेंगी। वोटिंग के अगले दिन काउंटिंग शुरू हुई। आप चाहे नेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स पढ़िए या फिर इंटरनेशनल मीडिया की खबरें, आपको ज्यादातर जगह यही मिलेगा कि काउंटिंग में जमकर धांधली की गई। केंद्र किसी भी कीमत पर MUF को सत्ता में नहीं आने देना चाहती थी, इसीलिए गिनती में, नतीजों के ऐलान में हर जगह खूब गड़बड़ियां की गईं। जो हारे थे उन्हें जिता दिया गया, जीते हुए उम्मीदवार हरा दिए गए। चुनाव के एक हफ्ते बाद तक रिजल्ट के ब्यौरे का ऐलान नहीं किया गया। लेकिन फाइनल रिजल्ट तो आना ही था। फाइनल रिजल्ट आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 45 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इनमें से 40 सीटों पर उसे जीता हुआ घोषित किया गया। कांग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें 26 सीटों पर उसे जीत दिखाई गई। MUF को मिली सिर्फ और सिर्फ 4 सीटें। इन नतीजों पर किसी को यकीन नहीं हुआ। जनता को लग रहा था कि उनके साथ चीटिंग की गई है, लोकतंत्र और चुनाव के नाम पर उनका मजाक उड़ाया गया है, ठगा गया है। उन्होंने बहुत ही जोश के साथ चुनाव में शिरकत की थी, मगर इसमें हुई धांधली ने कश्मीर को काफी मायूस किया। और धांधली इतनी ही नहीं हुई, MUF के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें जेल में डाल दिया गया, उनको टॉर्चर किया गया। इस धांधली के कारण केंद्र ने भले ही मनमाफिक नतीजे हासिल कर लिए हों, मगर कुल मिलाकर नुकसान भारत का हुआ। वो इसलिए कि कश्मीरी जनता के एक बड़े धड़े का यकीन पूरे लोकतंत्र से उठ गया। कश्मीर में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। कश्मीर के लोग 1957, 1962, 1967 और 1977 के चुनाव पर भी दाग देख चुके थे। केंद्र सरकार अपनी मर्जी से सरकारें बनाती गिराती आई थी। 1987 के चुनाव ने ताबूत में ठुकी सबसे नुकीली कील का काम किया। MUF के कई लोग मिलिटेंट्स बन गए और यहीं से शुरू हुए उपद्रव ने 1989 आते आते कश्मीरी लोगों को भारत से दूर कर दिया। जनवरी 1990 में फारूक अब्दुल्ला के इस्तीफे के बाद राज्य में केंद्र का शासन लागू हो गया। 1996 में जब चुनाव करवाए गए तब भी ऐसी ही शिकायतें आईं। आज़ादी के बाद से लेकर अब तक कश्मीर की हिस्ट्री का ये सबसे हिंसक और सबसे तनावग्रस्त दौर था। उसी के बाद से आज तक मिलिटेंट्स चुनाव का बहिष्कार करते आए हैं।
मिलिटेंट्स के उभार और चुनावी प्रक्रिया में उनके शामिल होने को लेकर बताई गई चीज़ों का ये मतलब नहीं है कि मिलिटेंट्स को सपोर्ट करना, बल्कि हम चीज़ों का संदर्भ और प्रसंग बता रहे हैं। 1987 के बाद फिर कभी कश्मीरियों ने इलेक्शन के लिए वैसा जोश नहीं दिखाया। लोगों की ऐसी नाराजगी थी कि आने वाले दिनों में खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ये मुमकिन नहीं रहा कि वह 1987 के चुनाव को निष्पक्ष कह दे। फरवरी 1994 में इंडिया टुडे के लिए हरजिंदर बवेजा ने फारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू लिया। फारूक 4 साल बाद कश्मीर लौटे थे। हरिंदर ने सवाल पूछा कि वो उनकी जान के पीछे पड़े मिलिटेंट से कैसे निपटेंगे। फारूक ने पूछा, वो मेरे इतने खिलाफ क्यों हैं? जवाब में हरजिंदर ने कहा, क्योंकि वो सोचते हैं कि आपने चुनाव में धांधली की, एक भ्रष्ट सरकार का नेतृत्व किया। इस पर फारूक नाराज हो गए, बोले, ये सब बकवास है, धांधली का शक था तो शिकायत करने चुनाव आयोग क्यों नहीं गए? जवाब में हरजिंदर बोले, इसलिए कि सिस्टम पर से उनका भरोसा उठ गया है। लेकिन एक बार फिर हरिंदर ने फारूक से पूछा कि क्या सच में उन्हें लगता है कि धांधली नहीं हुई थी? इस पर फारूक ने जो कहा, उसमें एक ऐसी सच्चाई छुपी है जो केंद्र सरकार की कश्मीर में निभाई गई अब तक की भूमिकाओं की कलई खोलती है। फारूक ने कहा था, क्या आप ये मानते हैं कि बाकी सारे चुनाव में धांधली नहीं हुई? आप सब 87 के चुनाव को टर्निंग पॉइंट बताते हैं। कश्मीर में जो हुआ इसका जिम्मेदार फारूक अब्दुल्ला नहीं भारत है, वो जिम्मेदार हैं, मैं नहीं। 1987 के चुनाव के लिए फारूक निर्दोष नहीं थे, मगर सबसे ज्यादा दोष केंद्र का था। कश्मीर की खराब स्थितियों का हवाला देकर वहां हमेशा केंद्र ने अपनी मनमानी की, गलतियों पर गलतियां की गईं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि कश्मीर के अंदर लोकतंत्र की जड़ें कभी जम ही नहीं पाईं। वहां के लोगों ने डेमोक्रेसी को वैसे महसूस नहीं किया जैसा हम और आप करते हैं। डेमोक्रेसी पर जनता के हाथों अपने प्रतिनिधि चुने जाने की कवायद नहीं है, ये एक भरा पूरा सिस्टम है, एक किस्म का सेफ्टी वॉल्व है जिसमें जनता अपनी खुशी, अपनी नाराजगी सिस्टमैटिक तरीके से जाहिर करती है। जाहिर करने देने का अधिकार मुल्क के लिए डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है।